केरल दौरे के तीसरे दिन आज कोझिकोड में राहुल गांधी ने किया रोड शो, उमड़ी जबरदस्त भीड़। कोझिकोड में फिर राहुल ने किया पीएम मोदी पर वार, कहा बीजेपी और पीएम मोदी से नहीं है कोई उम्मीद। पीएम मोदी के काशी जितना अपना है केरल वाला बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा केरल को यूपी की तरह ट्रीट नहीं करने देंगे, पीएमओ और नागपुर से नहीं चलेगा केरल। Can say whatever he wants that Kerala is Varanasi. I know that the Prime Minister will not treat Kerala the same way he treats Uttar Pradesh. He can come here and he can. राहुल गांधी संघ और बीजेपी पर किए कड़े वार, कहा गुस्से और नफरत में अंधे हो चुके हैं दोनों। मालदीव से कोलंबो पहुंचे पीएम मोदी, श्रीलंका में आतंकी हमले के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष का पहला दौरा। शिवसेना के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए व्यक्त करेंगे शोक संवेदना। श्रीलंका से लौटकर तिरुपति जाएंगे पीएम मोदी, बालाजी के करेंगे दर्शन, तिरुपति में सीएम जगनमोहन रेड्डी करेंगे पीएम की अगवानी। मालदीव के संसद से पीएम मोदी ने दोहराया वासुदेव कुटुंबकम का संदेश, कहा भारत का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना। पीएम मोदी ने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता का दिया संदेश, लेकिन आतंकवाद के प्रायोजक पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीति को बढ़ाया आगे। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी का भी किया जिक्र, मालदीव की धरती से दुनिया को साथ लेकर चलने का दिया संदेश। मालदीव की संसद से पीएम मोदी का इशारों में पाकिस्तान पर हमला, कहा आतंकवादियों को सरकारी चंदा सबसे बड़ा खतरा। अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद को पीएम मोदी ने बताया समस्या की जड़, कहा आतंकवाद पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की जरूरत। मोदी ने कहा नेबरहुड फर्स्ट भारत की नीति, मालदीव में लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत साथ। मालदीव से मोदी ने चीन को भी दिया कड़ा संदेश, कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को देंगे चुनौती। तिरुपति में बीजेपी ने की पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी, विजय उत्सव सभा में 5000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। वायुसेना के लापता विमान AN-32 की तलाश सातवें दिन भी जारी, इसरो भी तलाशी अभियान में जुटा। भारतीय वायुसेना का ऐलान, विमान AN-32 की लोकेशन की सूचना देने वाले को देंगे 5 लाख रुपए का इनाम। अलीगढ़ में मासूम से दरिंदगी के बाद बढ़ते तनाव के बीच 5 लोग हिरासत में लिए गए, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। अलीगढ़ में तनाव को देखते हुए कई जिलों में डीएम और एसपी तैनात। अलीगढ़ में आज रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च, आरएएफ के साथ भारी पुलिस बल तैनात। अलीगढ़ में आरएएफ के महिला दस्ते की भी तैनाती, मासूम से दरिंदगी के दोषियों को फांसी की मांग करते हुए रोज हो रहे हैं प्रदर्शन। अलीगढ़ हत्याकांड पर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गला दबाकर हुई थी 2.5 साल की मासूम की हत्या, फ्रिज में रखा गया था शव। हत्याकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार आरोपी महिला की तलाश जारी। साध्वी प्राची ने अलीगढ़ हत्याकांड पर दिया विवादित बयान, मासूम से दरिंदगी पर समूचे अल्पसंख्यक समुदाय को ठहराया गुनेगार। अलीगढ़ में 2.5 साल की मासूम से दरिंदगी पर राजगढ़ इलाके में मुसलमानों ने किया विरोध प्रदर्शन, आरोपियों का जलाया पुतला, फांसी की मांग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मासूम की याद में किया प्रदर्शन, हिंदू महासभा ने निकाला मशाल जुलूस। मेरठ में महिलाओं ने उठाया अलीगढ़ में मासूम से दरिंदगी का मुद्दा, दोषी को दी प्रतीकात्मक फांसी। ऊना में भी अलीगढ़ में हुई दरिंदगी का मुद्दा गर्म, लोगों ने मासूम की याद में निकाला कैंडल मार्च। अलीगढ़ के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की के लिए यूपी के लखीमपुर में अनशन पर बैठे लोग, मंत्री सूर्य प्रताप शाही से बयान पर माफी की मांग। ममता के पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी, उत्तर 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की खूनी भिड़ंत में 4 की मौत। पार्टी दफ्तर पर झंडा फहराने को लेकर हुआ बवाल, खूनी हिंसा में 3 बीजेपी और 1 टीएमसी कार्यकर्ता की गई जान। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने हिंसा के लिए ममता सरकार को ठहरा जिम्मेदार, गृहमंत्री अमित शाह से की हिंसा की शिकायत। उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
पश्चिम बंगाल के हुगली में भड़की हिंसा, टीएमसी के दो गुटों की भिड़ंत में गई एक शख्स की जान। भोपाल में 8 साल की बच्ची का शव मिला, रेप के बाद हत्या की आशंका। लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया में सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स की किया गिरफ्तार, अफवाह फैलाने का भी आरोप। मुंबई में बेकाबू टैंकर ने फुटपाथ पर सो रही दो महिलाओं और एक बच्चे को कुचला, हुई मौत। दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर पर टीवी चैनल के पत्रकारों पर हमला, बदमाशों ने गाड़ी पर की फायरिंग। दिल्ली के छतरपुर में पार्टी पर छापा, 1000 लोगों को पकड़ा गया। विश्व कप में आज सुपर संडे का सुपर मुकाबला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में होगा मुकाबला। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास बदलने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद भारत के हौसले बुलंद, ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच जीतकर फॉर्म में। ओवल की उछाल वाली पिच पर तेज गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा, हो सकती बाउंसर्स की जंग। प्लेइंग 11 में आज भारत की तरफ से खेल सकते 3 तेज गेंदबाज, शमी को मिल सकता मौका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की प्रचंड जीत के लिए वाराणसी में गंगा घाट पर लोगों ने प्रार्थना की। हाथों में टीम इंडिया की तस्वीर और पोस्टर के साथ लोगों ने ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाया। गोरखपुर में भी टीम इंडिया की शानदार जीत के लिए हवन हुआ, महिलाओं ने भी हवन में हिस्सा लेकर जीत की दुआ मांगी। हवन कुंड के सामने बैट रखकर हुई टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ। पूरे देश पर छाया क्रिकेट का खुमार, लखनऊ में सुबह से बच्चों ने क्रिकेट मैदान में बैट और बॉल के साथ संभाला मोर्चा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।